हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ. और आज EMRS के जो क्वेश्चंस हैं, अभी आप लोगों का जो है ये मैं क्वेश्चंस तो करवाऊंगी. इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, अभी BPSC का पेपर हुआ था 8 तारीख को, जो BPSC TGT का हुआ था. अगर आप लोगों ने वो पेपर देखा हो तो उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आए थे वो ये जो EMRS की सीरीज चल रही है उसी में से क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे. यानी कि जो मैं ये करवा रही हूँ, इट इज़ हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर वन एग्ज़ाम बट फॉर अदर्स एज वेल, बट फॉर अदर्स ऑल्सो. तो और एग्ज़ाम्स के लिए भी जो है ये उतने ही यूज़फुल हैं जितने एक पर्टिकुलर, क्योंकि इनमें सिलेबस जो होता है वो जो कॉमन सिलेबस है, जैसे BPSC में उन्होंने कहा था कि भाई 9-10 तक के जो इसके NCERT की बुक्स हैं और जो बिहार बोर्ड की बुक्स हैं, मगर जो क्वेश्चंस पूछे गए, कितने क्वेश्चंस थे जो लिटरेचर के थे, 15 क्वेश्चंस थे लिटरेचर के और सारे जनरल क्वेश्चंस थे कि एमोरेटी किसने लिखी है. मैं ये एक पेपर जो है वो सॉल्व भी करवाऊंगी, वो वाला जो BPSC TGT का है. और तो आप लोगों को के लिए ये हेल्पफुल रहता है सीरीज़ जो है वो, और एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल है. अभी जब DSSSB का आएगा तो भी ये EMRS वाली EMRS की जो TGT PGT सीरीज़ है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. चलिए इसके साथ ही मैं आप लोगों से बात करती हूँ. हाँ, और ये चीज़ भाई, क्वेश्चन पेपर मैंने भी देखा और स्टूडेंट्स ने भी मेरे को बताया. मैंने खुद क्वेश्चन पेपर वो वाला देखा, मेरे पास भेजा है स्टूडेंट्स ने, तो मैंने देखा जो ये मैं पढ़ा रही हूँ 70% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं में से पूछे गए, जनरल क्वेश्चंस है ना. अच्छा, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ अपना जो है नई जो मैं लॉन्च कर रही हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगी. मैं नेट इंग्लिश की, नेट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, नेट का, नेट इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ जो है वो हम अपने ऐप पर लॉन्च कर रहे हैं, पेड लाइव ऑनलाइन. यानी कि इसमें क्लासेस चलेंगी, मैं इसमें टेस्ट सीरीज़ में क्लासेस जो है वो लूँगी. एक बार मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ, ये टेस्ट सीरीज़ हमारी जनवरी में शुरू होगी, इस ट्यूसडे को ये लॉन्च होगी. लॉन्च पे जो इसका प्राइस रहेगा वो 3000 रहेगा, और जब ये जनवरी में शुरू होगी तो लोग जो जनवरी में लेंगे वो 4000 होगा. आप लोगों को पता ही होगा नेट के जो बैचेस चलते हैं उनकी फ़ीस कितनी हेफ्टी फीस होती है. ये मैंने एक पहले छोटा स्टेप लिया है नेट की तरफ, और उसके बाद मैं नेट का फुल कोर्स भी लॉन्च करूँगी, मगर थोड़ा सा रुक कर. जो ये एक सीरीज स्टार्ट होगी ये जनवरी से लेकर जो नेट का एग्ज़ाम है जो जून में होता है तब तक ये जो है सीरीज़ चलेगी, यानी कि 6 महीने के लिए ये सीरीज़ चलेगी. ऑनलाइन क्लासेस इसमें चलेंगी, क्वेश्चंस और उनके जो है आंसर्स को, क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं एक्सप्लेन करा जाएगा. और जो है आप लोग के 6 महीने के लिए 3000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप खुद ही मान लीजिए 500 रुपये जो है के करीब पड़ेगा. तो आप यहाँ पर ये देखिए कि ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये उन लोगों के लिए दोस्त जो प्रिपेयर कर रहे हैं नेट की तैयारी कर रहे हैं, एंड नॉट ओनली फॉर नेट, जो अदर स्टेट्स वगैरह के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए. क्योंकि नेट में सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर आता है, उसमें ग्रामर नहीं आता है. तो हमारा जो ये टेस्ट सीरीज़ है नेट इंग्लिश की, मैं आप लोगों को फिर से एक बार ये बता रही हूँ कि नेट इंग्लिश का अभी मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, एक छोटे स्टेप से स्टार्ट कर रही हूँ. उसके बाद इसका फुल कोर्स भी लॉन्च करेंगे, लेकिन पहले टेस्ट सीरीज़ जो है वो उससे, क्योंकि मेरी जो टेस्ट सीरीज़ भी होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नॉलेज जो है वो दी जाती है. तो दोस्त who want to crack net और जो कि कैसे तैयारी करें उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है. जो मेरे क्वालिटी को जानते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो इस नेट के टेस्ट सीरीज़ के, क्योंकि अभी तक मैंने नेट का कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करी थी. तो मैं बहुत सारा एक ऐसा स्टाफ लोग हैं जिनके साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो उनके साथ कनेक्ट होने के लिए मैं अपनी ये टेस्ट सीरीज़ जो है मैं एक लॉन्च कर रही हूँ. ये फिर ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वो नहीं है कि इसमें आपको एवर क्वेश्चन करेंगे, आपको मैंने मेरी रोज क्लासेस चलेंगी इसमें, जिसमें क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो दिए जाएंगे. तो ये है नेट की टेस्ट सीरीज़ जो इस ट्यूसडे को लॉन्च होगी. और
क्लासेस जनवरी से शुरू होंगी, और एक और मैं आपको बात बताऊं, 5 क्लासेस यूट्यूब और हमारे ऐप दोनों पे साथ में आएंगी। 5 क्लासेस जो कि एक आप ये मान के चलिए कि 5 क्लासेस का एक ऐड है कि किस तरीके से हमारी क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। 5 क्लासेस आप लोगों को उस पर देखने को मिलेंगी जो यूट्यूब पर भी आएंगी, उसके बाद की क्लासेस तो नहीं आएंगी। तो ये जो है पेड लाइव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है नेट इंग्लिश की, जिसमें एक एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा दिया जाएगा। मैं रोज क्लास लूंगी इसकी। इसके साथ ये हमारी एक बुक है द पाथ टू विक्ट्री, जो कि अवेलेबल है हमारे ऐप पर, ऐप के स्टोर पर अवेलेबल है, जो यूपी टीजीटी के लिए है ये किताब। इसमें आपका लिटरेचर, ग्रामर और पेपर तीनों ही चीज़ें हैं। इसके अलावा ये हमारा टेस्ट सीरीज़ है, जैसी ये टेस्ट सीरीज़ है जो इसमें 50 के करीब मैंने टेस्ट पेपर्स करवाए हैं यूपी टीजीटी के, और रोज़ इसकी शुरुआत में रोज़ में 1 घंटा क्लासेस चलती थी। अब चूंकि पेपर्स ख़त्म हो गए हैं तो एक वीक में 2 क्लासेस होती हैं इसकी, और अब ये वाइंड अप जो है वो होने वाला है, और इसका वीडियो बैच अब अवेलेबल हो जाएगा। इसमें क्लासेस चलती हैं, पेपर्स लेती हूँ, पेपर्स के एक्सप्लेनेशन जो है वो देती हूँ, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे ये वीडियो बैचेस हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, टीजीटी, पीजीटी, ग्रामर के, और हमारी जो अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ 599 रुपीज़ की जो है EMRS के लिए, अभी भी जो लोग चाहते हैं स्टोर में जाकर EMRS की TGT की PGT की सीरीज़, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, उसमें मतलब फर्स्ट पेपर भी है और 144 टेस्ट TGT के, उसके साथ PGT के, EMRS PGT के, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है। आप उसमें सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब आप व्यू सॉल्यूशन में जाते हैं तो सारा सॉल्यूशंस आपको दिख जाते हैं, जिसमें नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ। आई होप आई एम क्लियर इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड। और इसके बाद अब मैं अपना जो क्लास है वो स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा कुछ चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन ज़्यादा बताना पड़ता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ अ मैकियावेलियन हीरो, टम्बरलेन, डॉक्टर फॉस्टर्स, ड्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड। सबसे पहले हम मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। मैकियावेलियन मतलब होता है अ कनिंग पर्सन हु ट्राइज एवरी कनिंग मेथड टू अक्वायर वेल्थ। और ये जो कैरेक्टर मैकियावेलियन हीरो जो हमें देखने को मिलता है, वो ये प्लेस जो हैं ये सारे के सारे मार्लो के प्लेस हैं, और जो मैकियावेलियन हीरो हमें देखने को मिलता है वो ज्यू ऑफ माल्टा में है। ज्यू ऑफ माल्टा में जो ब्रबास का कैरेक्टर दिखाया है, ज्यू ऑफ माल्टा में जो ब्रबास का कैरेक्टर दिखाया, जो कि एक ज्यू है, वो पूरी तरीके से मैकियावेलियन हीरो जो है वो दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय सैमुअल बटलर, रिलिजियो लेसी, डेविड सिंपल, हुडी ब्रास, जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। इनमें से कौन सा जो वर्क है वो सैमुअल बटलर के द्वारा लिखा गया? तो ये इनमें से जो वर्क है वो है हुडी ब्रास। हुडी ब्रास इट्स अ पोएम दैट्स ऑन प्यूरिटन्स, मजाक उड़ाया गया है उसमें हुडी ब्रास में, और ये जो पोयम है ये मॉक हीरोइक पोयम है, और ये जो है 17th century में लिखी गई थी। इट्स अ मॉक हीरोइक पोयम रिटन इन 17th century, हुडी ब्रास, सैमुअल बटलर की हुडी ब्रास। Which of the following poems did Milton write in octosyllabic couplets? Octosyllabic couplets का मतलब होता है, octo means होता है 8, 8 syllable couplets, यानी कि 2 line का stanza जिसमें हर line में 8 syllables हो, 2 line stanza in which each stanza carries 8 syllables। तो जो वैसे जो कपलेट्स होते हैं वो आयम्बिक वो पेंटामीटर वाले होते हैं, यानी कि उनमें 10 syllables होते हैं। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में जो लिखी गई है दैट इज़ अ पेंसरोसो, अल पेंसरोसो, ये जो पोएम है जिसका मतलब है द पेंसिव मैन, इसी की सिस्टर पोएम जो है वो अलीग्रो जो है उसमें कि जो हैप्पी मैन वाली जो है, और अल पेंसरोसो तो द पेंसिव मैन। तो अब आप यहाँ पे मतलब ये जो पोयम है और ये जो पोयम पब्लिश हुई थी
ये पब्लिश हुई थी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना भी चाहूंगी. दैट इज ये पोयम थी, ये पब्लिश हुई थी, द पोयम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन में, ये कलेक्शन में ये पोयम जो है पब्लिश हुई थी. तो चलिए इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं. ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज एन एडेप्टेशन ऑफ फिलास्टर, रोमियो एंड जूलियट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एडवर्ड सेकेंड. ड्राइडन जो कि रेस्टोरेशन पीरियड में उन्होंने ये लिखा है, रेस्टोरेशन पीरियड के, और उन्होंने ऑल फॉर लव जो लिखी है वो लिखी है, ये एडेप्टेशन किसका है, ये शेक्सपियर के रोमियो सॉरी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का एडेप्टेशन है. इट्स एन एडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. ऑल फॉर लव और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का एडेप्टेशन है. एडेप्टेशन का मतलब होता है, जैसे ड्राइडन ने काफ़ी सारे उस पर लिखा है, एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी को प्ले को अपनी भाषा में लिखना, उसको अपने हिसाब से उसका एंड वगैरह चेंज कर देना. तो ये ड्राइडन का ऑल फॉर लव एडेप्टेशन है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स प्रपोजेज अ पॉलिटिकल थ्योरी? प्रिंसिपिया, लेवियाथन, एंटनी एंड मेलंकली, लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग. पॉलिटिकल थ्योरी, इनमें से कौन सी बुक जो है वो बताती है? पॉलिटिकल थ्योरी बताने वाली जो बुक है दैट इज लेवियाथन. लेवियाथन जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताती है. इसके बारे में मैं आपको बताऊं, लेवियाथन जो बुक है ये लिखी गई है टॉमस हॉब्स के द्वारा. ये टॉमस हॉब्स के द्वारा लिखी हुई पोयम है, ओ सॉरी बुक है. और ये जो बुक है 1651 में पब्लिश हुई थी. ये एक जो इसका टाइटल है वो बाइबल से लिया गया है, लेवियाथन. और ये जो है ये इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट पर ये बुक जो है वो आधारित है. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय अ वुमन? अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अ ट्रिटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, द वेल्थ ऑफ नेशंस. अगर आपने सबसे पहला जो फेमिनिन फेमिनिज्म को बताता हुआ जो वर्क है वो मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का है, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें बताया गया है कि वुमेन शुड बी गिवन राइट्स सो दैट दे शुड एक्ट एज बेटर वाइव्स, मदर्स. They may not be given the equal rights, but they should be given some rights so they, in near future, they should act as better wives and mothers. तो ये पहली फेमिनिस्ट बुक जो है वो मतलब अर्लीस्ट फेमिनिस्ट बुक जो है वो कहलाती है. किसके द्वारा लिखी गई है? मैरी वॉलस्टन क्राफ्ट के द्वारा लिखी गई है. मैरी वॉलस्टन क्राफ्ट के द्वारा ये लिखी गई है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. Which of the following books by Jonathan Swift is a religious allegory? The Battle of the Books, A Modest Proposal, Gulliver's Travel, A Tale of a Tub. इनमें से जोनाथन स्विफ्ट की जो रिलीजियस एलिगरी है दैट इज अ टेल ऑफ अ टब, जिसमें इंग्लिश सोसाइटी के बारे में बताया गया है, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया गया है. तो ये है जो रिलीजियस एलिगरी है. एलिगरी तो सारी ही हैं, बैटल ऑफ द बुक्स भी है और गुलिवर्स ट्रेवल भी है, लेकिन जो रिलीजियस एलिगरी है वो है टेल ऑफ द टब. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजनरी वर्क बाय विलियम ब्लेक? विजनरी वर्क एक वर्क जो विजन्स के माध्यम से बताया जाए, द सॉन्ग ऑफ लॉस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, पोइटिकल स्केचेस, द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन. इनमें जो इसका विजनरी वर्क है विलियम ब्लेक का, दैट इज द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन, द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन. ये है इनका विजनरी वर्क. द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड अपियर्ड इन.
आपको पता है कि जो प्रिल्यूड है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसे उनकी स्पीच एक जो है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, लिरिकल बिल्डिंग्स रोमन, ये सारे उनको कहा जाता है। प्रिल्यूड जो है, जो फाइनल वर्जन आया था, दैट केम पोस्थमसली, दैट इज इन 1850, 1850 में इसका फाइनल वर्जन आया था विथ 14 बुक्स। टू सफर वोज विच होप थिंग्स इन फाइनाइट इज रिटन बाय शेले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायन। टू सफर वोज, ये जो लाइन है ये आपकी, ये शेले की लाइन है और ये ली गई है प्रोमेथ्यूज अनबाउंड से। टू सफर, ये एक इंस्पिरेशनल कोट है, इट इज टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ लव। ये टू सफर वोज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट, टू फॉरगिव रॉन्ग्स डार्कर देन डेथ और नाइट, टू डिफाई पार। ये लाइन्स, पूरी लाइन बोली है मैंने, ये लाइन है प्रोमेथ्यूज अनबाउंड की, ये लाइन है और ये रोमांटिक एज के राइटर शेले के द्वारा जो है वो लिखी गई है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर अकर्स इन ओड ऑन अ ग्रेशनन, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी, एंडीमियन। ये लाइन्स हैं एंडीमियन की, विच इज अ पोएम बाय जॉन कीट्स। इट हैज 4000 लाइन्स और ये जो पोएम है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, तो दैट इज एंडीमियन। एंडीमियन, और विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स इज अ सटायर ऑन द गोथिक नॉवल। आपको पता है गोथिक नॉवल्स जो होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी बीपीएससी वाले में भी बहुत पूछे गए, बहुत नहीं मतलब एक पूछा गया है। तो विच इज अ सटायर ऑन द गोथिक नॉवल, तो गोथिक नॉवल जो होते हैं वो उनका रहस्य, सुपर नेचुरल एलिमेंट, मेडिवल एज, और ये दिखाया गया था कैसल ऑफ ओटरेंटो, ये गोथिक नॉवल जो है इससे शुरुआत हुई थी, और हॉरिस वॉलपोल का जो है। अब गोथिक नॉवल्स के स्टाइल एंड स्ट्रक्चर का जो मजाक उड़ाया गया है वो उड़ाया है किसने, जेन ऑस्टिन का नॉवल है दैट इज नॉर्थेंगर एबे। नॉर्थेंगर एबे जो है इट सटायराइजेस गोथिक नॉवल्स। नॉर्थेंगर एबे जॉन जेन ऑस्टिन का नॉवल है और इट वॉज द फर्स्ट ऑफ जेन ऑस्टिन नॉवल टू बी कंप्लीटेड फॉर पब्लिकेशन, दो शी हैड प्रीवियसली मेड अप स्टार्ट ऑन सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस। एंड नॉर्थेंगर एबे जो है वो जेन ऑस्टिन का एक गोथिक पैरडी है, क्योंकि ये कन्वेंशंस, गोथिक नॉवल के कन्वेंशंस का मजाक उड़ाता है। हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर, कॉलरिज, डी क्विंसी, हैजलिट या लैम। इनमें से कौन, ये एक वर्क है लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर, द लिटरेचर, ये थॉमस डी क्विंसी का वर्क है द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर, ये पब्लिश हुआ था 1848 में। तो ये है डी क्विंसी का वर्क है, दैट इज अ वर्क बाय, ये वही डी क्विंसी है जिनका वर्क जो है द कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय, मेरा बार बार ना आज जो है वो जबान जो है वो ऐसे हो रही है, क्यों, क्योंकि अभी जो है मेरे को आज मैंने रूट कनाल ट्रीटमेंट कराया, तो वो जो है इंजेक्शन लगता है ना मुंह के अंदर, उसका असर मुझे लग रहा अभी तक है, जो सुन्न करने वाला होता है, तो मुझे लग रहा अभी तक भी उसका असर मेरे पर है, ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है ना भी हो, ऐसा मुझे लग रहा है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय मिसेस गैस्किल, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, एमिली ब्रॉन्टे। अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये एक नॉवल है थॉमस हार्डी का, पब्लिश एनॉनिमसली, सेकेंड नॉवल था उनका, और ये जो टाइटल लिया गया है ये एज यू लाइक इट, शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से लिया गया है। द ऑफिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन अकर्स इन डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स। द ऑफिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन अकर्स इन, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी वर्क्स आप देख रहे हैं ये चार्ल्स डिकेंस के हैं, चार्ल्स डिकेंस द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट जो थे, और ये ब्लीक हाउस में ऑफिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन आता है। इस तरीके के क्वेश्चन यूपी पीजीटी में भी पूछे गए हैं। द ऑफिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन अकर्स इन ब्लीक हाउस, और ये नाइन्थ नॉवल था चार्ल्स डिकेंस का।
जिसमें उन्होंने इविल्स बताए हैं लॉन्ग ड्रॉन आउट लीगल केसेस इन द कोर्ट्स ऑफ चांसरी, लॉन्ग लीगल ड्रॉन आउट कोर्ट केसेस इन द कोर्ट ऑफ चांसरी। तो ये जो ऑफिस ऑफ सरकम लोक्यूशन है लाल फीता शाही, दैट इज इन ब्लीक हाउस। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज टेकन फ्रॉम द बुक द ह्यूमन माइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी द माइंड ऑफ मैन मोड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जब नॉवेल्स में आने से पहले, ये जो टर्म है ये साइकोलॉजी का टर्म है, विलियम जेम्स की बुक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, वहाँ से ये टर्म जो है ली गई है, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस द प्रिंसिपल्स ऑफ साइक, विलियम जेम्स की बुक है, दैट इज 1890 की बुक है विलियम जेम्स की, विलियम जेम्स की ये बुक है। जिसमें ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी टर्म उनके द्वारा कॉइन किया गया है, उसके बाद ये नॉवेल्स में यूज की गई है। जी एस फ्रेजर्स द गोल्डन बो फोकसेस ऑन इमेजेस मेटाफर्स सिंबल्स या आर्कटाइप्स। फ्रेजर की गोल्डन बो जो फोकस करती है, दैट फोकसेस ऑन सिंबल्स, दैट फोकसेस ऑन सिंबल्स, ये 19th सेंचुरी की बुक है। ये गोल्डन बो अ स्टडी इन कंपैरेटिव रिलीजन, पूरा नाम है इसका द गोल्डन बो अ स्टडी इन कंपैरेटिव रिलीजन, 1890 की ये बुक है। इट इज अ वाइड रेंजिंग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ माइथोलॉजी एंड रिलीजन रिटन बाय द स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। इट अटेम्प्ट्स टू डिफाइन द शेयर्ड एलिमेंट्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड साइंटिफिक थॉट्स, डिस्कसिंग फर्टिलिटी राइट्स, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, द डाइंग गॉड, द स्केप गोट एंड मेनी अदर सिम्बल्स। तो गोल्डन बो जो है वो बुक सिम्बल्स को डिस्कस करती है, फोकस करती है। आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन रियलाइज फॉर इट्स ट्रेजिक सीरियसनेस ऑन द फेट ऑफ विली लोमन एस्ट्रोजन व्लादिमीर लकी। आर्थर मिलर की जो कि एक अमेरिकन राइटर है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, वो उनमें जो कैरेक्टर है उसका नाम है विली लोमन, दैट इज विली लोमन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज थोड़े से क्वेश्चंस आपको लीक से हटके लग रहे होंगे, कभी इजी कभी डिफिकल्ट, मिले जुले क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रिप्रेजेंट्स द श्रीलंकन डायस्पोरा? साइरिल डेबिडीन, माइकल ऑनडेट्सी, आर्नल्ड एच इतवारू, एम जी वसांजी। तो इनमें से श्रीलंकन डायस्पोरा कौन बताता है? डायस्पोरिक राइटर्स वो होते हैं दोस्त हु आर नॉट रिजाइडिंग इन देयर ओन कंट्री बट दे राइट अबाउट देयर कंट्री। तो जो श्रीलंकन डायस्पोरा को, क्योंकि आपको पता है कि इसमें लिटरेचर फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी है, तो इनमें से कौन सा राइटर श्रीलंकन डायस्पोरा को बताता है? और वो है बी, एक मिनट, दैट इज माइकल ऑनडेट्सी। ये एक श्रीलंकन बॉर्न कैनेडियन नॉवलिस्ट एंड पोएट थे। इन्हें बुकर प्राइज भी मिला है अपनी किताब द इंग्लिश पेशेंट के लिए। तो ये इंग्लिश पेशेंट के लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला है। हालांकि इस लेवल के क्वेश्चंस तो अभी जो पहली बार पेपर होगा तो ये बुकर प्राइज वगैरह तो नहीं, लेकिन फिर भी इस तरीके के मैं सभी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो करवा रही हूँ। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज रिटर्न बाय? आर्थर मिलर, यूजीन ओनियल, एडवर्ड एल बी, टेनेसी विलियम्स। ये एक प्ले है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, और ये लिखा है एडवर्ड एल बी के द्वारा, ये एडवर्ड एल बी के द्वारा लिखा गया है, दैट इज हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ये इट्स अ 1962, 20th सेंचुरी का प्ले है। इट एग्जामिन्स द ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज ऑफ मिडल एजड कपल, मार्था एंड जॉर्ज के जो ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में बताता हुआ ये वर्क है, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। हु ऑफ द फॉलोइंग वाइट फीमेल ऑथर्स आर सिंपथेटिक टू द कॉज ऑफ द ब्लैक्स? मार्गरेट ड्रेबल, नदीन गोर्दिमा, मरियल स्पार्क, जीन रॉयज।
ये जॉन राइज होता है वैसे ही। एंड द क्वेश्चन इज, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, इसका आंसर है नदीन गोडिमा। ये एक साउथ अफ्रीकन राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड रेसिपिएंट ऑफ द 1991 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और ये है, दैट इज नदीन गोडिमा, दैट इज नदीन गोडिमा, साउथ अफ्रीकन राइटर। ये मैंने जो कुछ क्वेश्चंस जो हैं लिटरेचर फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से लिए हैं। द वर्ड कैथारसिस सिग्निफाइज, कैथारसिस जो वर्ड है वो जो लिया गया है मेडिकल साइंसेस से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है क्लिंजिंग, पर्गेशन ऑफ फीलिंग। तो पर्गेशन को बोलते हैं पर्ज करना, जो है पर्ज, पेट को पर्ज करना। और जो है तो ये कथार्सिस जो वर्ड है इसको मतलब होता है पर्गेशन, पर्ज से लिया गया। जब भी कथार्सिस वर्ड मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अपने खुद के कॉलेज का वो याद आ जाता है कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और जो है हमारी HOD ने उनको इसको जो है इस को बताया था कि कैसे मेडिकल साइंसेस से इसको लिया गया, कि जब कभी पेट बहुत टाइट होता है एंड वी वांट टू क्लियर तो हम मेडिसिन लेकर पर्ज करते हैं। इसी तरीके से ट्रेजेडी का जो फंक्शन होता है वो जो बिल्कुल जमी हुई फीलिंग्स हैं उनका आउटबर्स्ट जो है वो होता है। एंड व्हेन यू क्राई अ लॉट यू जस्ट फील लाइट, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, वेन यू फील लाइट एंड इट पर्जेज आउट योर इमोशन। तो ये मेरे को वही अपना कॉलेज का वो याद आ जाता है कि जब हमारी मैडम ने हमको ये चीज़ पढ़ाई थी। इलियट्स थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव अपियर्ड इन इन हिज एसे एंड टाइटल। अब आप सोच भी रहे होंगे कुछ क्वेश्चन तो NDVN वाला, ये वाला तो मैडम ने दोबारा से करवा दिया, अभी परसों ही करवाया, तो कोई बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो भी जाए आपकी खोपड़ी में फिट हो जाने चाहिए। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये मैंने आपको बताया था कि व्हेन द ऑडियंस फील विद द हीरो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इट दिस टर्म वाज प्रोपाउंडेड, दिस टर्म वाज कॉइंड बाय वॉशिंगटन एल्स्टन, बट इट वाज मेड फेमस बाय T.S. एलियट एंड इन हिज एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू T.S. एलियट, हैमलेट डजन पजेस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वेर एज मैकबेथ डज। तो इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैमलेट में नहीं है। और ये कौन सा ऐसे है जिसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है वो नहीं, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है, बताया गया कौन से ऐसे में बताया गया, दैट इज हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। स्प्रंग रिदम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्स सिलेबल स्ट्रेस मीटर। जो स्प्रंग रिदम है यानी कि उछलती हुई रिदम और स्ट्राइडिंग ओवर जो स्प्रंग रिदम है, ये एग्जाम्पल है वर्स का, वर्स का एग्जाम्पल है, यानी कि ले का, वर्स का ये एग्जाम्पल G.M. हॉपकिंस के द्वारा दिया गया टर्म। मोर इज दाई ड्यू देन मोर देन ऑल कैन पे, मोर इज दाई ड्यू देन मोर देन ऑल कैन पे। एक चीज आप इसमें देखिए, एक टर्म होती है इन्वर्जन, और जिसको ऐसे क्रिस क्रॉस करके करा जाता है, जिसमें वर्ड ऑर्डर जो होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है, वर्ड ऑर्डर जो है वो चेंज होता है, मतलब उसमें जैसे कियासमस में भी होता है, और इन्वर्जन नहीं, वो तो कियासमस में होता है, इसमें इन्वर्जन में, कियासमस और इन्वर्जन मिला रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इन्वर्जन का मतलब मैं वो सही बोल रही हूँ, वर्ड ऑर्डर को जो है जिसमें चेंज कर दिया जाता है। जैसे हमारा वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अब अगर हम वर्ब पहले ले लें और सब्जेक्ट बाद में ले तो उसे इन्वर्जन कहा जाता है, यानी कि वर्ड ऑर्डर को जब आप चेंज कर, मोर इज दाई ड्यू, इसको बोलना ऐसा चाहिए दाई ड्यू इज मोर देन ऑल यू कैन पे, तो यहाँ पर इन्वर्जन है क्योंकि जो एडजेक्टिव है वो पहले लगा दिया है, तो इसे इन्वर्जन जो है वो कहा जाता है। देख रहा हूँ कियासमस, अभी खोपड़ी पे आसार है मेरी, तो इसे कियासमस, मैं कियासमस को मिला रही थी, दैट इज इन्वर्जन। अनराइम्ड मेट्रिकल कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 आयम्बिक मेजर्स इन ईच लाइन इज कॉल्ड। पहले देखिए अनराइम्ड मेट्रिकल यानी कि राइम स्कीम नहीं, लेकिन हर लाइन में आयम्बिक मेजर्स यानी कि हर लाइन में आयम्बिक या पेंटामीटर, हर लाइन में पेंटामीटर है और राइम स्कीम नहीं है। आयम्बिक में वन अनस्ट्रेस्ड वन स्ट्रेस,
और 10 सिलेबल्स हैं लेकिन राइम स्कीम कोई नहीं, तो उसे कहते हैं ब्लैंक वर्स, दैट इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स। नो मीटर नो राइम स्कीम, दैट इज फ्री वर्स, और राइम स्कीम ना हो लेकिन मीटर हो, दैट इज ब्लैंक वर्स। वर्स स्टोरीज डीलिंग विद शिवेलरी, नाइट एरेंट्री, एंचेंटमेंट्स एंड लव आर नोन एज द एपिक, द बैलेड, द ओट, द मिट्रिकल रोमांसेस। कहानी कहती हुई पोएम्स जिसमें शिवेलरी, नाइट के बारे में बताया जाता है और लव के बारे में, उन्हें मिट्रिकल रोमांसेस जो है वो कहा जाता है, दे आर नोन एज मिट्रिकल रोमांसेस, दे आर कॉल्ड मिट्रिकल रोमांसेस। अ मिट्रिकल रोमांस इज नोन एज रोमांटिक पोइट्री। ये पोएम जो है एक कहानी कहती हुई पोएम होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एपिक में भी होता है, मगर एपिक में केवल शिवलरी के बारे में बताया जाता, लव के बारे में नहीं बताया जाता, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है मिट्रिकल रोमांसेस और रोमांटिक पोइट्री। ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, नो खा गए, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। अब आप ये देखिए, जब डबल नेगेटिव होता है, डबल नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, इसे कहते हैं लाइटोटीज, दैट इज लाइटोटीज, नॉट बैड, दैट इज लाइटोटीज। रेस्टोरेशन कॉमेडी बिगिंस विद, रेस्टोरेशन कॉमेडी का मतलब क्या था, जब मोनार्की रीस्टोर हो गई थी 1660 में, जिसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की शुरुआत ही रेस्टोरेशन एरा से हुई थी और इसकी शुरुआत करी थी कॉन्ग्रीव ने, दैट वॉज स्टार्टेड बाय कॉन्ग्रीव। कॉन्ग्रीव के द्वारा स्टार्ट की गई थी। डॉक्टर जॉनसन्स द लाइव्स ऑफ द पोएट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, आर्कटाइप क्रिटिसिज्म। भाई देखिए, डॉक्टर जॉनसन्स द लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स है ये, 52 राइटर्स की बायोग्राफी है और इसी ये बता है क्या, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, इट्स अ बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस, और दैट्स ऑल फॉर टुडे, मे गॉड ब्लेस यू, और आप जो बस मेहनत करिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए, आपको उसका मीठा फल जरूर मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।